दोस्तों, अगर आप बजाज फाइनेंस का ईएमआई कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे हैं। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को ये बताने वाला हूं कि बजाज फाइनेंस का कार्ड हम कैसे बनाते हैं, कैसे अप्लाई करेंगे। दोस्तों, अप्लाई करने के तुरंत बाद ही आप सभी लोगों को ईएमआई कार्ड एक्टिवेट करके दे दिया जाता है, जिससे कि आप कोई भी परचेसिंग वगैरह, ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं दोस्तों, या फिर स्टोर में जाके आप कोई भी सामान को किस्त में, ईएमआई में, नो कॉस्ट ईएमआई में बहुत ही आसानी से ले सकेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शो करने वाला हूं, 2023 का लेटेस्ट मेथड शो करने वाला हूं दोस्तों, कि कैसे आप बजाज फाइनेंस का कार्ड बनवा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप इस पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैं आ चुका हूँ बजाज फाइनेंस का इंस्टा ईएमआई कार्ड के वेबसाइट में। यहाँ पे आने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, कार्ड आपको देखने को मिल रहा है बजाज फिनसर्व का। यहाँ पे देख सकते हैं, यू हैव ए कार्ड लिमिट ऑफ अप टू 2 लाख, यानी कि 2 लाख तक का लिमिट आपको कार्ड में मिल सकता है। दोस्तों, मुझे 1,25,000 का मिल चुका है, ये डिपेंड करता है आपके सिविल स्कोर पे, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद देख सकते हैं दोस्तों, इसके बेनिफिट के बारे में मैं जल्दी से आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि 100% डिजिटल प्रोसेस है, 30 सेकंड में अप्रूवल मिल सकता है आपको, कि कितना आपको लिमिट मिलेगा वो 30 सेकंड में आपको पता चल जाएगा। इंस्टेंट कार्ड एक्टिवेशन होगा, यानी कि आपका कार्ड जो है दोस्तों तुरंत एक्टिवेट कर दिया जाएगा, और 1 मिलियन से भी ज्यादा प्रोडक्ट जो है वो आप इजी ईएमआई में ले सकते हैं दोस्तों, जिसका कि आपको टेन्योर 24 महीने तक मिल सकता है। आप 24 महीने तक ईएमआई को कन्वर्ट करवा सकते हैं दोस्तों, जिसमें कि कोई भी डॉक्यूमेंट आपको, एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट आपको कुछ भी सबमिट नहीं करना पड़ेगा दोस्तों। और इसका बहुत ही बड़ा नाम है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इसका चर्चा भी है बजाज इंस्टा ईएमआई कार्ड का, बहुत सारे लोग जो है इसका यूज भी करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं अप्लाई करके कि मुझे यहाँ पे लिमिट कितना मिला है। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, मोबाइल नंबर देखें, यहाँ पे गेट ओटीपी पे क्लिक करना पड़ता है। चलिए हम यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालते हैं और गेट ओटीपी पे क्लिक करते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, ओटीपी भेजा जा चुका है। ओटीपी रिसीव होने के बाद दोस्तों, ओटीपी सिंपली यहाँ पे आपको डाल देना है, और ओटीपी डालने के बाद आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट करेंगे दोस्तों, आपको कुछ डिटेल्स मांगा जाएगा, ठीक है। आपका कार्ड जनरेट करने के लिए आपको बताया जाएगा कि कितना कार्ड आपको लिमिट मिलेगा, उसके लिए आपको कुछ डिटेल देना होगा। आपको फुल नेम दे देना है दोस्तों, जैसा कि आपके पैन कार्ड में लिखा गया है वो फुल नेम दे दीजिएगा। पैन कार्ड का नंबर आपको दे देना है दोस्तों, डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, और रेसिडेंशियल पिन कोड डाल देना है। कभी कभी पिन कोड लेने में प्रॉब्लम करता है दोस्तों, तो आप नॉर्मली अपना पिन कोड डालिएगा यहाँ पे, ठीक है। जो भी आपके आधार कार्ड में वो पिन कोड यहाँ पे डाल के आपको सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा, जेंडर मेल फीमेल क्या है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा, और सिंपली यहाँ पे प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। तुरंत आपको बता दिया जाएगा कि आपको कार्ड लिमिट कितना मिलेगा। चलिए हम ये सब डाटा को फिल करके आपको प्रोसीड करके दिखाते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, योर अप्रूव्ड इंस्टा ईएमआई कार्ड लिमिट इज 1,25,000। यहाँ पे देख सकते हैं, मुझे 1,25,000 का लिमिट मिला है दोस्तों बजाज फाइनेंस का कार्ड में। यहाँ पे देख सकते हैं, आपका नाम वगैरह सब कुछ दिखेगा, कार्ड का नंबर आप यहाँ पे दिख सकता है दोस्तों आपको, ठीक है। यहाँ पे हाइड कर दिया गया है, लेकिन आपको कार्ड नंबर वगैरह सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा, कब तक वैलिड है वो आपको देखने को मिल जाएगा सब कुछ, मतलब आपको अभी आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा आपको कार्ड लिमिट। अगर आपको अच्छा लग रहा है दोस्तों, अगर आपको कार्ड बनवाना है तो सिंपली यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ पे आने के बाद दोस्तों आपका कार्ड लिमिट जो है दोस्तों वो 75,000 होगा, 90,000 होगा, 80,000 होगा, इस टाइप का ये वेरी करता है, ये डिपेंड करता है आपके सिविल स्कोर पे, लेकिन मैक्सिमम आपको मिलेगा 2 लाख का लिमिट, ठीक है। और जो भी लिमिट मिला है दोस्तों यहाँ पे, उसके बाद आपको क्या करना है, प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं केवाईसी वेरिफिकेशन के लिए आपका डिटेल्स जो है वो सामने यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे नीचे अपडेट एड्रेस का एक ऑप्शन दिया जाता है, आपको उसी पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपका एड्रेस जो है वो ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा, आपको यहाँ पे वेरीफाई कर देना है, सब कुछ डाल देना है, एड्रेस जो पिन कोड सिटी ये सब डालने के बाद, यहाँ पे स्टेट वगैरह चुनने के बाद यहाँ पे सिंपली प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो टोटल कार्ड लिमिट है वो 1,25,000 है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन लोन लिमिट, लोन का जो लिमिट है दोस्तों वो 65,000 दिया गया है, और इस कार्ड को लेने के लिए दोस्तों आपको 530 रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें जीएसटी के साथ 530 रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा दोस्तों, जो कि बहुत ही मिनिमम है। अब आपको यहाँ पे देख सकते हैं 1,25,000 का लिमिट आपको दिया जा रहा है दोस्तों, आपको इतना आसानी कभी भी फ्यूचर में कभी भी इंटरेस्ट आपको नहीं देना पड़ेगा, कोई भी सामान खरीदेंगे तो सभी चीजों में नो कॉस्ट ईएमआई देखने को मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसके लिए आपको बस 530 रुपए का पेमेंट करना है, बहुत ही अच्छा बात है दोस्तों। चलिए पेमेंट कर देते हैं। इसके लिए दोस्तों सिंपली यहाँ पे आपको पे नाउ पे क्लिक करना है। चलिए पे नाउ पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट का मेथड आपको सिलेक्ट कर लेना है, नॉर्मली आप यूपीआई का यूज कर लीजिएगा, डेबिट कार्ड का, क्रेडिट कार्ड का यूज कर लीजिएगा। चलिए नॉर्मली हम यूपीआई से पेमेंट कर देते हैं, फोन पे, गूगल पे से, नेट बैंकिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपका इस्तेमाल करने का तरीका है दोस्तों वो यूज कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं पेमेंट आपका सक्सेसफुल हो जाएगा जब आपका, तो यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट सक्सेसफुल देखने को मिल जाएगा, ट्रांजेक्शन स्टेटस सक्सेसफुल देखने को मिल जाएगा। अब आपको ई मैंडेट करना पड़ेगा, तभी आपका कार्ड जो है दोस्तों एक्टिवेट होगा, यानी कि आपका जो बैंक अकाउंट है ना इससे लिंक करना पड़ेगा। तो आप अपना प्राइमरी बैंक जिसमें आपका ज्यादा से ज्यादा पैसा है दोस्तों वो लिंक नहीं कीजिएगा, कभी कभी आपको क्या करना है, सेफ खेलना है, ठीक है ना। तो आप एक नया जीरो बैलेंस का सेविंग अकाउंट ओपन कर लीजिएगा, पहले आपको मेरे चैनल पे वीडियो मिल जाएगा, वो करने के बाद आपको यहां पे लिंक कर देना है। चलिए यहां पे हम एक्टिवेट नाउ पे क्लिक करेंगे दोस्तों।
उसके बाद यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर दे देना है, आईएफएससी कोड दे देना है, ठीक है, अकाउंट होल्डर नेम दे देना है, अकाउंट टाइप आपको बता देना सेविंग है कि करंट है। उसके बाद यहाँ पे आपको सुटेबल रजिस्ट्रेशन मोड आपको सेलेक्ट करना है कि नेट बैंकिंग या फिर डेबिट कार्ड सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी माध्यम से आपको ये ईमेंडेट करना है वो दे दीजिएगा। चलिए नेट बैंकिंग दे देते हैं। फिर आपको यहाँ पे पूछा जाएगा कि डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग, तो आप यहाँ पे नेट बैंकिंग या फिर डेबिट कार्ड सेलेक्ट करके सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा, चेकबॉक्स पे टिक लगा के। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आपका कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे चेकबॉक्स पे टिक लगा देना है और नीचे सबमिट पे क्लिक कर देना है दोस्तों। और उसके बाद आपको कुछ डिटेल मांगे जाएंगे दोस्तों, जो कि इमेडिट के लिए होगा। वो देने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहां पे आप सभी लोगों को बताया जा रहा है कि आपका जो है दोस्तों वो ईमैंडेट सक्सेसफुल हो चुका है। ईमैंडेट सक्सेसफुल होने के बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है दोस्तों, या फिर वो ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट आपको कर दिया जाएगा। रीडायरेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं योर इंस्टा ईएमआई कार्ड हैज बीन एक्टिवेटेड सक्सेसफुली। यहाँ पे देख सकते हैं 1,25,000 का लिमिट मिला है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन लोन लिमिट जो है दोस्तों 65,000 का है। ईमैंडेट जो रजिस्टर है दोस्तों वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और इसको एक्टिवेट करने का तरीका यही है दोस्तों कि ईमैंडेट कर दीजिए, एक्टिवेट हो जाएगा। अब इस कार्ड का यूज कहाँ पे करना है, इसके लिए दोस्तों आपको अपने फोन में प्ले स्टोर ओपन करना है और बजाज फाइनेंस का जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है दोस्तों इसे इंस्टॉल कर लेना है। जब आप इसे इंस्टॉल करेंगे, ओपन करेंगे दोस्तों, तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों आप सभी लोगों को रजिस्टर कर लेना है। सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर के बाद यहाँ पे आपको ओटीपी दे देना है दोस्तों। ओटीपी देने के बाद आप लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे आप सभी लोगों को कुछ ऑप्शन देखने को मिलेगा, लेकिन आपको ये देखना है कि आपका ईएमआई कार्ड कहाँ पे दिख रहा है। तो आप यहाँ पे चेक करेंगे दोस्तों, कुछ इस टाइप का आपके फोन में दिखेगा। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं राइट साइड में यहाँ पे ईएमआई नेटवर्क कार्ड का ऑप्शन दिया जाता है। यहाँ पे नीचे देख सकते हैं ईएमआई कार्ड का भी दिया जाता है, इसी पे क्लिक करेंगे। आपका डेट ऑफ बर्थ आपसे मांगा जाएगा। डेट ऑफ बर्थ देने के बाद दोस्तों यहाँ पे लिंक ईएमआई कार्ड जो है वो आपको टच कर देना है। उसके बाद आपको दिख जाएगा कि आपका कार्ड लिमिट क्या है। ये सब आपको ट्रांजेक्शन वगैरह सब कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा, ऑफर वगैरह। यहाँ से भी आप कुछ परचेज कर सकते हैं दोस्तों। इस तरीके से आप अपना बजाज फाइनेंस का इंस्टा ईएमआई कार्ड रेडी कर सकते हैं और बनवा सकते हैं दोस्तों। इसके बाद आपको बजाज फाइनेंस का किसी भी स्टोर पे चले जाना है, कुछ भी आपको सामान खरीद के वहां पे ये आपको एक्टिवेट कर लेना है दोस्तों। उसके बाद आप इसे ऑनलाइन में भी यूज कर पाए। तो दोस्तों अभी अभी आप सभी लोगों को मैंने दिखा दिया कि बजाज फाइनेंस का ईएमआई कार्ड कैसे बनाया जाता है। आई होप आज का ये वीडियो आप सभी लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो में इतना दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।